हाय गाइस, मैं हूं सौरभ और आज हम सीखेंगे कैसे ऋत्विक का उड़ गए सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए म्यूजिक प्रोडक्शन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने एंड रिजल्ट को सुनेंगे कैसा साउंड करता है। हम तो उड़ गए तो गाइस, सबसे पहले जो मैंने इस पूरे सेशन में यूज की है मेलोडी, वो साउंड करती है कुछ ऐसी। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे क्रिएट की है। सबसे पहले मैंने एक ऑडियो सैंपल लिया जो कि साउंड करता है कुछ ऐसा। उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी लेंथ को काटा। फिर पियानो रोल में जाके इसकी मेलोडी को राइट किया जो थी ये। और इसको लेयर किया एक सिंथेसाइजर के साथ जो कि है फैफ फिल्टर का ट्वाइन। इसमें भी मैंने इसका एक प्रीसेट यूज किया जिसका नाम है ट्रायंगल और जो साउंड करता है कुछ ऐसा। इसे एक बार सोलो करके साउंड सुनेंगे हम। अब इन दोनों को एक साथ सुनेंगे। तो जो इसके बाद इसमें सेकंड चीज यूज हुई है वो है ये वाली मेलोडी। बहुत ज्यादा सिंपल मेलोडी है बट इसको मैंने लेयर किया है तीन चीजों से। सबसे पहला ये सैंपल है, सेकंड में सैंपल आता है ये, और लास्ट है ये एक टिन मेटल का सैंपल परकर्शन। सेकंड वाला है ये भी एक परकर्शन ही था, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने यूज कर लिया। सेम गोज फॉर द फर्स्ट वन। तो हम इन तीनों को एक साथ सुनेंगे कैसा साउंड करता है। और इसको लेयर किया मैंने पैड्स के साथ, और जो मैंने इसमें पैड्स यूज किए हैं वो है कुछ ऐसे। साइट्रस यूज किया है मैंने इसमें, इसका एक प्रीसेट है एमिली करके। तो एक बार इसको पहले सोलो सुनेंगे कैसा साउंड करता है। बहुत ही ज्यादा एयरी फील है इसका और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। इसको अब अपनी हम मेलोडी के साथ सुनेंगे जो कि साउंड करेगा कुछ ऐसा। तो गाइस, जो हमारी पहली मेलोडी थी और ये जो सेकंड मेलोडी आई है, इसके बीच में जो ट्रांजिशन का पीरियड है, जो उसमें ट्रांजिशन हुआ है, उसमें मैंने दो चीज यूज करी है, दो राइजर यूज किए हैं। पहला साउंड करता है कुछ ऐसा। ये एक्चुअली में एक रिवर्स है हॉर्न्स का, और सेकंड जो यूज किया वो साउंड करता है कुछ ऐसा। ये भी एक रिवर्स ही है बट ये व्हाइट नॉइस का है। दोनों को लेयर के साथ सुनेंगे कैसा लगता है।
अब हम स्टार्टिंग से पूरे ट्रांजिशन के साथ सुनेंगे कि पूरा सेशन, कि ये पूरा कैसा साउंड करता है। तो अब इस फेज के बाद जो इसमें एडिशन होता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस गाने की, बेस लाइन, जो कि साउंड करती है कुछ ऐसी। अब ये बेस लाइन भी मैंने सिंगल नहीं बनाई, ये लेयर्ड है। तो हम पहले इसको सिंगल सुनेंगे कि कैसा साउंड करता है। और इसमें जो मैंने बेस के लिए यूज़ किया है वो है नेक्सस। इसका भी एक प्रीसेट यूज़ किया मैंने, BA डार्क रोल बेस 2 करके, जो साउंड करता है कुछ ऐसा। इसको मैंने लेयर किया फैब फिल्टर के ट्वाइन सिंथ के साथ। तो दोनों को एक साथ सुनते हैं कैसा साउंड करता है। इसके साथ इस ट्रांजिशन के बाद जो एक्स्ट्रा चीज और ऐड होती है वो है परकशन में क्लैप्स, जो कि साउंड करते हैं कुछ ऐसी। इसके साथ मैंने एक परकशन डाला है हाई पर्क, जो कि दोनों मिलके साउंड करेंगे ऐसा कुछ। तो चलिए अब इन चारों को एक साथ सुनते हैं कैसा साउंड करते हैं। इसमें जो वोकल्स यूज किए हैं वो मैंने अपने ही वोकल यूज किए हैं। इसमें कोई भी सैंपल्ड वोकल्स या फिर चॉप किए हुए ओरिजिनल गाने के वोकल्स नहीं यूज किए हैं मैंने। इसमें मैंने सिर्फ अपने वोकल यूज किए हैं। तो चलिए एक बार हम पूरे वोकल्स के साथ सुनते हैं कैसा साउंड करता है। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए। तो जैसे कि आपने सुना, इस फ्रेज के खत्म होते ही एक ट्रांजिशन आया जिसमें एक थोड़ी छोटी सी मेलोडी और आई है। तो चलिए उस पहले हम मेलोडी को सुनते हैं कि कैसा साउंड करती है। तो इसमें बेसिकली क्या किया है मैंने, पियानो रोल पे पहले तो नॉर्मल वेलोसिटी पे अपने नोट्स को चलाया, उसके बाद जो सेकंड टाइम मेलोडी आई है हल्के हल्के करके फेड आउट कर दिया मैंने वेलोसिटी के साथ। तो चलिए आप देखते हैं मैंने इसमें यूज क्या क्या किया है। जो प्लग इन मैंने इसमें यूज किया है वो है FL Studio का स्टॉक प्लगइन GMS, जो साउंड करता है कुछ ऐसा। और इसमें जो मैंने प्रीसेट यूज किया है वो है बेस के अंदर का फंकी रोड्स करके। तो गाइस चलिए एक बार फिर से इस ट्रांजिशन को सुनते हैं हम पूरे वोकल्स के साथ कैसा साउंड करता है। तो गाइस नेक्स्ट जो है सेम चीज हमारे ट्रांजिशन के टाइम पे हमने अपने रिवर्स को भी डाल रखा है। फिर जब रिवर्स के बाद हमारे पे मेन एडिशन होता है यहाँ पे हमारी किक का, जो कि साउंड करती है कुछ ऐसी। इसके साथ हमने हाई पर्क और स्नेयर का यूज किया है, जो साउंड करते हैं कुछ ऐसे। साथ में हमारे पुराने वाले परकशन और क्लैप्स चल रहे हैं, जो कि साउंड करेंगे कुछ ऐसे। और मैंने अपनी क्लैप्स और हाई पर्क को लेफ्ट और राइट पैन भी किया हुआ है,
ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए बीच में वोकल्स के लिए और बेस लाइन के लिए। तो चलिए एक बार इस पूरे ट्रांजिशन को एक साथ सुनते हैं। हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थाला मा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थाला मा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। अब ये जैसी ट्रांजिशन खत्म होता है, हमारे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बंद हो जाएंगे और उनकी जगह पे सिर्फ वोकल्स और पैड्स चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पैड्स को चेक करेंगे कैसा साउंड करेंगे। वोकल्स के साथ हम तो उड़ गए। तो गाइज ये ट्रांजिशन आते आते हमारे पे गाने की एक और मेन चीज आएगी जो है इसकी ड्रॉप, और जो साउंड करेगा कुछ ऐसा। तो अब आप ये भी पूछेंगे कि ये बना कैसे। चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले आसान चीज जो है एक FL स्टूडियो का FL कीज का सिंथ, जो पीछे से लेयरिंग चल रही है पियानो की। तो गाइस अब आते हैं मेन मेलोडी में कि मेलोडी बनाई कैसे है मैंने। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें यूज किया है वो है एक वोकल्स, जो कि मैंने साइमेटिक्स के एक किसी सैंपल से उठाया, उसको क्रॉप किया और एक सैंपल रखा ऐसा। पर जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है, आप इसके एनवलॉप पे जाएंगे, इसमें जितनी भी सेटिंग होगी रिलीज डीके डिले इन सब को आप ज़ीरो पे कर देंगे और बाकी सेटिंग्स को वैसे ही छोड़ देंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप रिलीज कर देंगे इसको तो कुछ ऐसा होगा, आपकी जो मेलोडी होगी वो पूरी बजेगी। और रिलीज अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी जितना पार्ट आपने क्रॉप किया सिर्फ उतना ही बजेगा। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको ये सब करने के बाद मैंने अपनी मेलोडी को मिडी नोट्स पे राइट किया, जो कि साउंड करते हैं कुछ ऐसे। और इसको लेयर किया एक और मेलोडी के साथ, जो कि एक और सिंपल सा वोकल चॉप है। मैंने इसकी मेलोडी बनाई, एक बार इसे सोलो करके सुनते हैं हम। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान। और इसको आपको पता ही है लेयर किया है हमने अपने पियानो के साथ। तो चलिए एक बार हम पूरा ट्रांजिशन से लेकर ड्रॉप को सुनते हैं कैसा साउंड करता है। गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। एंड अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे नई अपडेट्स के लिए, वहाँ पे मैं बताते रहता हूँ कि क्या नई अपडेट्स आई है, मैं कौन से करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और बहुत सारी नई नई चीज़ें बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।